आज मोमिनपुरा बीड़ में सलमान फारसी ग्रुप, राहत ग्रुप और एस सरकार ग्रुप इसकी तरफ से जो है बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें यहाँ के सभी सियासी समाजी जो तंजीमें हैं इससे जुड़ी हुई शख्सियात आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमने आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप का जायज़ा लिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज शाम तक लोग जो है ब्लड देने वाले हैं। बीड़ के मोमिनपुरा इलाके में वाक़ जो सिविल हॉस्पिटल की एक ब्रांच यहाँ पर छोटी है, इस आरोग्य केंद्र में ये ब्लड डोनेशन कैंप जारी है। आइए हम इसका इस मौके पर यहाँ पर जायजा लेते हैं। दरअसल आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप मोहल्ला मोमिनपुरा में जो मुनक्कद किया गया है वो सलमान फारसी ग्रुप की जानिब से है। दरअसल ये ग्रुप मोमिनपुरे का ग्रुप है और हमेशा सामाजिक उपक्रम में जो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और लेना भी चाहिए। देश समाज सामाजिक उपक्रम और सामाजिक खिदमत से ही जो तो बनता है। साबिका भी इनका रिकॉर्ड जो है ये आई कैंप, आरोग्य शिविर, दिगर मुख्तलिफ काम जिससे समाज को फ़ायदा पहुँच सकता है, ये ग्रुप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जो तो मुनक्कद किया करता है। ये चौथा साल है, इससे पहले का इनका फिगर जो है तो 65 का था, लेकिन इस मरतबा नौजवानों ने काफ़ी मेहनत की और अब तक जो है सुबह 10:30 बजे ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ और 22 जो तो डोनर्स ने जो तो ब्लड डोनेट किया है और 4 बजे तक इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि 100 के ऊपर जो तो डोनर्स अपने जो तो ब्लड को जो तो डोनेट करेंगे। और ब्लड डोनेशन जो है तो हमारे देश की एक परंपरा भी है। आज़ादी के वक्त देश के तमाम वासियों ने जो तो ब्लड डोनेट करके इस देश को सींचा है, मतलब ये हमारे कल्चर का, हमारे जो तो विरसे का, हमारी सकाफत का और हमारी तहजीब का जो तो हिस्सा है। और आज भी आप अगर देखें मुल्क के जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, मुल्क का हर आदमी देश बचाने के लिए, आयन बचाने के लिए, दस्तूर बचाने के लिए हर किस्म का डोनेट कर रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या जान का डोनेशन हो या जज्बात का डोनेशन हो या रिश्तों का डोनेशन हो। डोनेट से ही जो तो देश तामीर होगा, डोनेट से ही जो तो मुख्तलिफ समाज जो तो तामीर होंगे। इसलिए ये तो ब्लड डोनेशन कैंप आज रखा गया था और मौका भी बढ़िया था। 26 जनवरी जिसे हम योम जमहूरिया कहते हैं, योम जमहूरिया के मौके पर जिसमें देश की घटना, देश का संविधान और देश के दस्तूर को जो तो मजबूत और उसकी बुनियादों को मजबूत करने का काम किया गया था, उस दिन का अवसर देखकर, उस दिन का मौका देखकर ये सलमान फारसी ग्रुप ने जो है तो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। और मुझे यानी खुशी के साथ इस बात का इजहार करने में जो तो खुशी महसूस हो रही है कि इसमें तमाम संगठना के लोगों ने, तमाम सामाजिक, तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने और तमाम जो तो कौम और मिल्लत की फिक्र करने वाले लोगों ने जो तो बड़ा योगदान दिया, साथ दिया और जिसकी वजह से आज 100 के ऊपर जो तो लोग ब्लड जो तो डोनेट कर रहे हैं। जो तो आज 26 जनवरी के मौके पर आज सरकारी एस ग्रुप और सलमान फारसी ग्रुप की जानिब से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके अंदर सभी पार्टी के जो लोग हैं तो आज शामिल हो गए हैं और सुबह 10 बजे से जो है तो रक्तदान शिविर का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन में जो है तो डॉक्टर अशोक थोरा साहब ने जो है तो मुलाकात देते हुए गए हैं और अभी जो है तो इंशाल्लाह अभी तक के 22 डोनेट यहां पर हुए हैं और 3 से 4 बजे तक जो है तो 100 हो जाएंगे। और इसके पहले जो हमने जो 3 शिविर लिए थे इसके अंदर जो है तो 56, फिर उसके बाद 62, फिर उसके बाद जो है तो 72 और अभी जो है तो हमारा 100 का टारगेट है और इंशाल्लाह 100 जो है तो पूरे होंगे। हमारे ग्रुप की तरफ से सभी के जानिब से जो है तो हाफिज अशफाक, नगर सेवक खुर्शीद आलम, शफीक भाओ, खन्ना मामू और जो है तो यहाँ मोमिनपुरे के सभी नौजवान ग्रुप की तरफ से जो है तो कसीर तादाद से जो है तो रक्तदान शिविर करने में और सब जो है तो मदद करेंगे। आज प्रजासत्ताक दिन के मौके पर मोमिनपुरा ग्रुप, सलमान फारसी ग्रुप और सरकारी एस ग्रुप की जानिब से मोमिनपुरा आरोग्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। प्रजासत्ताक दिन के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर कौम मिल्लत के तमाम नौजवान अपनी एक कुर्बानी यहाँ पर ब्लड डोनेट के नाम से देने जा रहे हैं। आज मोमिनपुरा के इस आरोग्य केंद्र में सलमान फारसी ग्रुप, राहत सेवा भावी संस्था, बीड सरकार यस ग्रुप,
चांदनी चौक युवा प्रतिष्ठान, बीड सरकार ग्रुप, इन तमाम के जानिब से जो रक्तदान शिविर लिया गया है उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके तमाम यहाँ पर सरपरस्त हमारे इस हलके के नगर सेवक अशफाक साहब भी मौजूद है, खन्ना भैया मौजूद है, खुर्शीद आलम साहब है, साउद साहब है, समीर सरकार है, तमाम कलाम सर है जिन्होंने अभी प्रतिक्रिया दी है, तालिब भाई है, इन तमाम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले आज हमारे देश को जब जब भी खून देने की ज़रूरत महसूस हुई तो सबसे पहले हम इसका इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने सबसे आगे आकर ये कुर्बानी दी है, और उसी कुर्बानी का एक स्वरूप आज जो मौका यौम जमहूरिया का है जिस पर हमारे मुल्क का संविधान आज लिखा गया था, ऐसे सुनहरी मौके पर यहाँ के नौजवानों ने ये उपक्रम लिया, ये काबिले मुबारकबाद है और ये नमूना है हमारे और दीगर नौजवानों के लिए, क्योंकि रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है। हम देखते हैं कि हम जब खून देते तो किसी को लग रहा, वो हिंदू को लग रहा या मुसलमान को लग रहा, ये कभी नहीं देखा जाता, या हमारे कोई घर के अफराद को अगर खून की जरूरत पड़ती जब हम उसे देते हैं तो कभी नहीं देखते कि वो किसका है, वो कहाँ से आया है, वो किस या किसने दिया है, ये कभी पता नहीं चलता। तो हमारे तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों का खून एक है और एक अच्छा नमूना इस मौके पर पेश किया, इसके लिए तमाम जो यहाँ बच्चों ने नौजवानों ने आज ये कुर्बानी दी है मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इसका नियामुल बदल उनको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे, ऐसी उनके लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। जैसा कि आज हमारे मोमिनपुरा इलाके के अंदर जो नौजवानों ने यानी कि सलमान फारसी ग्रुप, सरकारियस ग्रुप और जो भी इसके अंदर शामिल है, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा ये माशाल्लाह बहुत बड़े सुनहरे मौके पे रखा, जिसके अंदर कोई सियासत नहीं, जिसके अंदर कोई अपने आप का सेहरा नहीं है, बल्कि इस बुलेट कैंप के अंदर, खून कैंप के अंदर हर कोई पक्ष के नेता ने भी विजिट दिए और खून भी खुद दिए, यहाँ तक कि मैंने खुद भी जो है तो आज खून दिया। हमने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है ब्लड डोनेशन, जिसमें सलमान फारसी मस्जिद ग्रुप भी है और सरकारी ग्रुप भी है, तो मैं देश की तरक्की के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हम अगर सच कहे तो गाली है, झूठ उनका मगर मिसाली है, क्या तरक्की करेंगे वो देश की जिसके किरदार में दलाली है। और हम अपने इसी तरह हर साल को साल ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम लेते रहेंगे इंशाल्लाह। आज सबसे पहले मैं सब भारतीय वासियों को यौम जमहूरिया की बधाई देता हूं और उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा काम सरकार ग्रुप और सलमान फारसी मस्जिद ग्रुप ने किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी कंपनी में तैयार नहीं होती है। ब्लड ऐसी चीज़ है जिस दुनिया के किसी कंपनी में तैयार नहीं होती, दुनिया में कहीं भी तैयार नहीं होती, एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है और उसका जान बचा सकता है, इसलिए मैं इस आयोजक को मुबारकबाद देता हूं और सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप रक्तदान देने की जो है तो आदत डालें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।